जॉन डियर वर्सेस महिंद्रा, ये देख सकते हैं महिंद्रा फंस गया है किसान भाइयों, उसको जॉन डियर खींच रहा है अभी। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरी बार मक्के में खाद रखने का पहला दिन चालू हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये MOP रख लिया है 5 बोरी, देख सकते हैं पिंक कलर की है, और 15-15.5 बोरी हमने यूरिया रख लिया है, 5 बोरी हमने जिंक रख लिया है जो कि गिरधर की है। दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं इसमें जिंक सल्फर भी है, दोनों चीज मिक्स हो जाती है। 5 किलो की पैकेट है ये, इसमें तीनों को मिक्स करके डालेंगे। और अभी लेबर आने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। 15.5 बोरी ये, 5 बोरी ये, और ये 5 पैकेट लेके जा रहे हैं हम। 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम MOP डालेंगे और यूरिया लगभग 1 बोरी के आसपास डालेंगे मिक्स कर कर। अभी अच्छे से ट्रॉली में बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको किस तरीके से यूरिया डाला जा रहा है। ये देख सकते हैं अधिक बारिश के कारण ये भी लगभग 52-53 दिन की फसल हो गई है, लेकिन उतनी हाइट नहीं बढ़ी है। पहली बार यूरिया डाला था हमने, लेकिन अभी दूसरे खेत में डाल रहे हैं आज, बने रहिए वीडियो में। किसान भाइयों, जैसा कि देख सकते हैं अभी घर से निकला भी नहीं है, 100 मीटर भी नहीं आए हैं, और ट्रैक्टर खप चुकी है ट्रॉली, देख सकते हैं नीचे तक, और ट्रैक्टर को निकाल दिया गया है, ट्राली हो गई तिरछी, नीचे टेके नहीं लगी थे। अभी देख सकते हैं हमने यूरिया मिला दिया 5 बोरी, उसमें हमने 1 बोरी MOP मिला दिया है और 1 पैकेट जो जिंक का मिला दिया है। अभी 8 लेडीज डाल रही हैं, 8 लोग, और 2 लोग ले आकर दे रहे हैं, ले आने वाले, और हम इधर मिक्स कर कर रख रहे हैं। अभी ये देख सकते हैं बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। अभी दिखाते हैं आपको किस तरीके से यूरिया डाल रहे हैं। अभी लास्ट वाले खेत में चले जाती ट्रैक्टर तो अच्छा रहता, लेकिन अधिक बारिश के कारण ट्रैक्टर भी नहीं जा पा रही है अकेले, आगे भी मिट्टी फंस रही है, अभी ग्रिप नहीं बन पा रहा है। बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं आपको। अभी किसान भाइयों देखिए, इस तरीके से नहर के ऊपर से यूरिया खाद और MOP डाल रहे हैं, वो जॉन डियर 5105 आया है नहर के ऊपर से लेकर। देखिए 5 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटास है, और उसको यहाँ पर ले आकर रख देंगे, और फिर उसमें मिला लेंगे फट्टे रख कर, और फिर यहाँ से ये दोनों खेत रह गए हैं। अभी ये देख सकते हैं लेवर लोग आ रहे हैं, अभी ट्रैक्टर फंसने के कारण काफ़ी समय बर्बाद हो गया है। अभी दो भाई लोग लेकर आ रहे हैं अभी खाद। किसान भाइयों अभी देख सकते हैं आप, 4 बज चुके हैं और अभी बारिश तेज हो गई है। हमने इसमें 5 बोरी यूरिया डाला और 1 बोरी MOP डाला पोटास, और मिक्स कर कर अभी 1 बोरी रखी है, बाकी सब चले गई हैं। ये देख सकते हैं पानियर का 35-24 वैरायटी है, और इधर लगा है सजेंटा का 6802। इसमें 6802 में थोड़ा हरापन ज़्यादा दिख रहा है, और इसमें थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि एक दिन पहले की बोनी है ये, और 1 दिन बाद की ये है। अभी हमने पहली बार में यूरिया खाद रखा दिया था, और दूसरी बार में आप देख सकते हैं MOP और जिंक। अभी हमने ट्रैक्टर फंस जाने के कारण अभी जिंक लेकर नहीं आ पाए, जल्दी जल्दी में दूसरे का ट्रैक्टर बुलवाया है अभी, तो अभी जिंक आएगी तो इसमें जिंक मिलवा देंगे ये वाले खेत में, क्योंकि जिंक की आवश्यकता है। अभी पत्ते देख सकते हैं काफ़ी पीले हो गए हैं, देख सकते हैं अभी 6-7 बोरी यूरिया और MOP बुलवा रहे हैं, वो जॉन डियर 5105 में आ रहे हैं। तो फिर इसको अभी ये वाला खेत कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये नीचे वाला खेत, फिर वो बन गया है, लगभग 3 एकड़ का खेत बाकी है, तो ये भी कंप्लीट करना है। और आज लगभग 11:30-12 बजे से काम चालू हुआ, नहीं तो 10:30 बजे चालू हो जाता तो काफ़ी हो जाता, वो वाले 6 एकड़ का खेत कंप्लीट हो जाता। ट्रैक्टर फटने के कारण अब फिर कल उसमें भी दिक्कत जाएगी खाद डालने में। अब देखते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर निकलती है। अब जॉन डियर लेकर आ रहा है हम खाद, अब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है खेती में, देख सकते हैं हाथ वगैरह सब इस तरीके से भर चुके हैं। इतना अच्छा है कि ये MOP पहले बहुत जलन करती थी, अब नहीं कर रही है, नहीं तो हाथ नहीं लगा सकते थे इसको। हमने ग्लव्स भी लेकर आया, लेकिन वो भी गीले हो जाते हैं, तो फिर काम करते नहीं बन रहे अभी। ये देखिए, अब नहर से हमने आपको दिखाया है कि यहाँ से
यूरिया जाएगी और यहाँ से मिक्स करके हम वो दो भाई लोग हैं तो वो ले आकर देते जाएंगे, रखते जाते हैं, फिर वो अपने आप ले लेते हैं लेबर, नहीं तो फिर डाल देते हैं उसमें। मक्का देखिए किनारे किनारे के तीन चार लाइन के तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ये वाले खेत के भी शुरू खेत है तो दो लाइन का ख़त्म हो गया मक्का। और वो दूसरी वैरायटी बोया हमने तो वो भी थोड़ा कमज़ोर दिख रही है, यही वैरायटी थोड़ा अच्छा दिख रही है इस बार। और इसमें अभी खाद डाल दिए हैं, अभी एक महीने होने लगे हैं और दूसरी बार डाल दिए हैं लास्ट बार में, अब इसके बाद कोई खाद नहीं डालना है। खरपतवार निदान भी हो गया जैसा कि आपने देखा है। अब दिखाते हैं और ये वाले खेत में किस तरीके से खाद डालते हैं इसी वीडियो में।